जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप भी अगर ग्रामीण बैंक्स में भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा यानी कि IBPS के द्वारा ग्रामीण बैंक्स में पूरी इंडिया में ऑल इंडिया भर्ती जो है वो निकाल दी गई है। तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में जो जो मेन पॉइंट्स होंगे इस भर्ती से संबंधित जो कि आपको जानना जरूरी है, पूरी के पूरे पॉइंट्स में आपको कवर करने वाला हूं। दोस्तों, 76 पेज की नोटिफिकेशन है, आप इसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसीज के जो है वो अच्छे से डिटेल पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। लगभग पूरी की पूरी भर्ती की डिटेल्स इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 7 जून से 27 जून 2024, यानी कि 7 जून से 27 जून 2024 के बीच में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो आपके दोस्तों प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए जुलाई 2024 में आपके जो है वो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में PET यानी कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपकी 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में कराई जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आपका जो प्री एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड यानी कि जो कॉल लेटर होगा वो जुलाई या अगस्त में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि जो प्री एग्जाम आपका होगा वो होगा दोस्तों आपका अगस्त 2024 में। उसके बाद में प्री एग्जाम का आपका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त या फिर सितंबर 2024 में। और आप मेन एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर 2024 में, ठीक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा यानी कि आपको जो मेन एग्जाम होगा वो होगा आपका सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 में, और आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो अक्टूबर 2024 में आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन होगा यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जनवरी 2025 में आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इंटरव्यू के बारे में मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के पद पर एक्स सर्विस मैन के लिए केवल कोटा दिया गया है इस भर्ती में, तो उसके लिए दोस्तों इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों हम एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विस मैन। तो दोस्तों, पॉइंट 4A आप देख लीजिए, एक्स सर्विस मैन / डिसेबल एक्स सर्विस मैन, ठीक है। तो अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपने जितनी भी सेना में सर्विस की है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी हो, जितने भी आपने सेना में सर्विस की है उसमें प्लस 3 इयर्स और करके आपकी एक्चुअल एज से आप माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों आपकी बैचलर, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से जरूरी है। अब एक यहाँ पर पॉइंट और आता है कि फौज के द्वारा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि फौज के द्वारा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उससे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक तो दोस्तों यही है कि जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके लिए ही इसमें अप्लाई कर सकता है, उसमें फौज का ग्रेजुएशन इसमें माने नहीं है। लेकिन फिर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर डिसेबल एक्स सर्विस मैन है, तो आपकी जो एप्लीकेशन की फीस होगी दोस्तों इंक्लूसिव ऑफ GST वो होगी दोस्तों ₹175। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्री एग्जाम। तो प्री एग्जाम में दोस्तों आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40-40 मार्क्स के। टोटल पेपर ये होगा 80 मार्क्स का और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। मेन एग्जाम की दोस्तों बात कर लें तो मेन एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके सब्जेक्ट होंगे। सभी में 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन 40 क्वेश्चन के लिए मार्क्स जो है वो अलग अलग हैं और 200 नंबर का जो है ये पूरा आपका पेपर होगा। उसके बाद में इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। उसके बाद में दोस्तों आती है नेगेटिव मार्किंग। तो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप दोस्तों रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 0.25% का जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग यहां पर की गई है।
उसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विंग पर्सनल की। तो सर्विंग पर्सनल जो इस समय इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सर्विस कर रहे हैं और अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, तो उनको अपने सीओ से एक सर्टिफिकेट साइन करा के देना होगा कि भाई 26 जून 2025 से पहले आप जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तो आप इस भर्ती में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यानी कि जो DESM है वो कौन है। तो एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ठीक है, वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब्ड एरिया। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन वो माने जाएंगे जो कि एनिमी से लड़ते हुए यानी कि दुश्मन देश से लड़ते हुए या दुश्मन जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहे उस समय लड़ते हुए अगर वो मतलब डिसेबल हुए हैं तो, और डिस्टर्ब एरियाज में वो डिसेबल हुए हैं तभी उनके लिए DESM का जो है वो कोटा दिया जाएगा। चलिए हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यह है दोस्तों www.ibps.in पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दोस्तों इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टेट में कौन कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पेज नंबर 46 पे एनेक्सर 1 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसके लिए अगर आपको दोस्तों अप्लाई करना है तो ये पूरे के पूरे स्टेट्स दिए गए हैं, आप इसमें चेक कर लीजिए। पूरे स्टेट्स की जो है दोस्तों जानकारी देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी मैं कुछ स्टेट्स के जैसे कि आपको बता देता हूँ। ये स्टेट्स है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ये 3 बैंक हैं इनमें भर्ती निकली हुई है, जिसमें दोस्तों ये आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में आपके लिए एक्स सर्विसमैन को 10 वैकेंसीज हैं और DESM यानी कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसीज हैं। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये 3 बैंकों में जो है वो भर्ती निकली हुई है, जिसमें से जो ये आर्यवर्त बैंक जो है इसमें दोस्तों 32 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 14 वैकेंसीज हैं DESM के लिए। उसके बाद दोस्तों प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 21 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 9 वैकेंसीज हैं DESM यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। ओके, तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप अपने स्टेट की एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज कितनी हैं उसका पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।